वेलकम टू माय चैनल। मैं यूट्यूबर, ये देखो ऐनी बैठी हुई है और मम्मी और ऐनी मस्ती कर रहे थे दोनों लोग। और बाहर इतना अच्छा मौसम हो गया, अभी मुश्किल से 3:30 बजा होगा। अच्छा, अभी तो गर्मी तो हो गई है लेकिन अभी थोड़ी बहुत राहत मिली हुई है क्योंकि अभी इतनी भयंकर आंधी आई हुई थी। आंधी तूफान था बहुत तगड़ा वाला, चारों तरफ धूल मिट्टी हो गई थी और अब बारिश लगी हुई है। तो बारिश हो गई है तो ठंडा ठंडा लग रहा है। आप लोगों को मैं खिड़की से देखो दिखाती हूँ, शायद दिख जाए, नहीं तो बालकनी में तो मैं जा नहीं पा रही, इतनी बारिश हो गई है। ये तो यहाँ से नहीं दिख रहा है, बस ठंडी हवा बहुत आ रही, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज आप लोग हमें रेडी होते हुए देख रहे होंगे कि जब से मैं यहाँ अपने मायके में आई हूँ तब से ये वाला रेडीपन आपने नहीं देखा होगा, आज ही देखा हुआ है। और सलोनी भल्ले की तैयारी करने जा रही हैं। भल्ले एक्चुअली ऐसा क्या, जो आलू के कटलेट होते हैं ना बेसन में बनाए जाते हैं, बस उसी की तैयारी में लगी हुई है। और एनी बोलो। और गाइस आज है हैप्पी फादर्स डे, तो सब लोगों को हैप्पी फादर्स डे। और आज मैं ये ब्लॉग उसी पर्पस से लेके आई हूँ फादर्स डे पर, तो मैं आज ये ब्लॉग अपना फादर्स डे पे ही आज ये जाने वाला है। अभी मैंने सोचा आंधी बारिश हो रही तो आप लोगों को थोड़ा मौसम दिखा दूं कैसा क्या है, फिर उसके बाद फादर्स डे का जो भी है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, शेयर करूंगी आपसे। और एनी को भूख लग रही है, बस एनी को मैं कुछ खिला पिला दूं, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूंगी आके, ठीक है। और मेरे बाल की कंडीशन देख रहे हो, बाल मतलब छोटी पूरी खुल गई है। अब वही है ना, आंधी बारिश आती है ना तो सफाई भी बहुत हो जाती है। मम्मी बस वाइपर अपना चला रही हैं। और ये देखो मैंने चोटी ऐसी करी हुई थी, नहीं हमको देख रही, हवा आप लोग देख रहे कितनी अच्छी चल रही है, हल्की है, ठंडा ठंडा पानी। ये देखो बारिश ऐसे नहीं दिख रहा होगा आप लोग को पानी, ये देखो नीचे फैल रहा है। ये देखो बन रहे हैं आलू के कटलेट, सलोनी बना रही है। और ये बॉल्स मतलब वो बना के रख ली हैं, सारे बन गया, बेसन घुला रखा। और ये देखो यहाँ पे एक तरफ चढ़ी हुई है चाय, मौसम अच्छा हो गया है तो कटलेट और चाय बढ़िया मजा आने वाला है। ये देखो ये भी कितने क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन से हो गए हैं, काफी अच्छे लगते हैं। खट्टी मीठी चटनी के साथ खाओ या चाय के साथ खाओ, अच्छे लगते हैं काफी। ले और चाय गर्मा गर्म। आप लोग को मैंने अभी विश नहीं किया था तो हैप्पी फादर्स डे आज है, तो आज मैं ये वीडियो हैप्पी फादर्स डे के ऊपर ये लेके आई हुई हूँ और मैं कुछ आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ ये ब्लॉग पूरा देखिएगा। तो फादर्स डे पे आज कई लोगों ने सेलिब्रेशन किया होगा अपने फादर के साथ मिल के, कुछ लोग कहीं घूमने गए होंगे, कहीं कुछ किया होगा, सब लोगों ने कुछ ना कुछ सेलिब्रेट किया हुआ है। बट मेरा फादर डे कुछ अलग सा रहा है क्योंकि सेलिब्रेट जो वो लोग करते हैं जिनके फादर उनके पास होते हैं, बट मेरे फादर तो मुझसे बहुत दूर हैं तो मैं कैसे सेलिब्रेट कर सकती हूँ, बट मेरे फादर मेरे दिल में हैं। और आप लोगों को शायद नहीं बताया होगा मैंने, तो मेरे फादर की डेथ हो चुकी है, उनको ऐसी 21 ईयर्स शायद 21 नहीं हुआ है, हाँ 19-20 साल हो चुके हैं मेरे फादर को एक्सपायर हुए, क्योंकि मेरी सिस्टर की एज अभी इस टाइम ऐसी है 20 में चल रही है, तो क्या नाम 19-20 साल हो चुके हैं। और
कुछ धुंधली सी, मेरे पास तो कुछ है उनकी यादें भी नहीं हैं। जो यादें हैं वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी फादर्स डे पे। और ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे पास, छोटी सी थोड़ा बहुत मुझे याद है, मुझे ज़्यादा कुछ याद भी नहीं है उनके बारे में, क्योंकि मेरी एज इतनी कम थी उस टाइम जब वो एक्सपायर हुए थे। और आप लोगों को आगे देख के पता ही चल जाएगा कि मेरी एज क्या रही होगी उस टाइम। तो मैं आप लोगों से बस थोड़ा सा कुछ शेयर करूँगी, जो कुछ मुझे मिला है, मैंने आज ढूँढा हुआ है तो मैं वही शेयर कर रही हूँ। और एक मिनट, तो मैंने अभी ये ब्लॉग यहाँ पे रोका था क्योंकि मेरी बेटी जाग गई थी। और कुछ यादें हैं यार मेरे फादर की जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। थोड़ी बहुत यादें हैं, मुझे कुछ इतना ज़्यादा याद नहीं है क्योंकि मैं भी बहुत छोटी थी, मेरा भाई भी बहुत छोटा था और मेरी जो सिस्टर थी वो तो थी ही नहीं, उसका जन्म भी नहीं हुआ था। जन्म होने वाला ही था तब मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। और ऐसे ही वो मम्मी का 2-3 मंथ चल रहा था जब मेरे फादर एक्सपायर हुए थे। प्रेगनेंसी का उनका 2-3 मंथ था जब एक्सपायर हुए थे। और हम लोग ज़्यादा बड़े भी नहीं थे, तो हम उस टाइम, तो आप लोग जान ही सकते हो, इतनी ज़्यादा मतलब कोई भी मेमोरी नहीं होती है और कोई भी फ़ोटो वगैरह कुछ ज़्यादा क्लिक नहीं कराता है। जितनी भी हैं वो आज मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत मैंने यहाँ वहाँ से ले दे के ली हैं, एक दो पिक हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो गाइस आप लोग ये ब्लॉग पूरा देखिएगा और मैं किसी और दिन आप लोगों को अपनी मतलब ये फादर की मतलब स्टोरी, अपने यहाँ मम्मा की स्टोरी किसी और ब्लॉग में आपको बताऊंगी। बट आज मैं सिर्फ और सिर्फ फादर डे पे ही ये शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ मेमोरी नहीं है उनकी शेयर करने के लिए, ना ही वो हमारे पास जो मैं उनके साथ सेलिब्रेट कर सकूँ। बट जो भी है मैं खुश होके और दिल से मैं उनको मानती हूँ और खुश होके मैं ये थोड़ा बहुत शेयर कर रही हूँ। तो मुझे बहुत खुशी होगी आप लोग अगर मेरा ये ब्लॉग देखें, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें। तो गाइस आप लोग प्लीज़ देखिए।